रहस्य सुलझाओ, इतिहास बनाओ। डकटेल हर दिन हर पल बनते हैं नए डकटेल, खेले खतरों से हर पल ये डकटेल। खतरा बचना दीवानों, तेरी तूफानी रात थी। मैं डगमग लौटते हुए ब्लैक सी के ऊपर उड़ रहा था। मैंने कंट्रोल्स पर काबू पाने की लाख कोशिश की पर कोई फायदा नहीं कि अचानक उड़ती चुड़ैलों ने मुझे घेर लिया। वो ऐसे लग रहे थे जैसे पक्षी हो चुड़ैली शक्ल वाले। फिर चुड़ैलों ने मेरे जहाज के पंख काट दिए और मैं गिरता गया नीचे, बिल्कुल नीचे। मैं कसम खा कर कहता हूँ, पर मिस्टर मैकडी सोचते हैं मैं क्रैश करने का बहाना करता हूँ। प्रोफेसर वान ड्रेक, क्या ये सच है? क्या मैं क्रैशोहोलिक हूँ? हरगिज नहीं। एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, और जब डाटा इनपुट मिलता है मामा इनपुट से, तुम करते हो रॉक एंड रोल और चक्कर काटने लगते हो। एक मिनट में क्या बक रहा हूँ? तुम्हारी बात, तुम्हारा भेजा चक्कर खा खा कर चकरा गया है। ये अच्छी खबर है या बुरी? मनोविज्ञान में इस प्रॉब्लम का तकनीकी नाम है, तुम हो कुकू। अरे मिस्टर मैकडी, तो मुझे सालों से कुकू पुकारते आए हैं। हाँ, पर कभी ना कभी खटक, तुम्हारा दिमाग टूट जाएगा। आउ, मेरे घुटने जैसे। कोई इलाज है डॉक? हाँ है, आर्टिफिशियल लेग। नहीं, मेरे लिए। ओ हाँ, जब भी तुम्हें ख्वाब दिखने लगे, तुम अपने छोटे दिमाग को रिलैक्स करो और बोलो ऐसे, और ओम कहते समय अच्छी अच्छी बातें सोचो। बागों में बहार है, कलियों में निखार है, तुमको मुझसे प्यार है। अरे मैं तो गाना ही गाने लग गया। अगर एक हफ्ते तक तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर कभी तुम्हें दिन में ख्वाब नहीं दिखेंगे। और फिर भी दिखे तो? फिर तुम्हें कुकू की तरह पिंजरे में बंद कर देंगे। अब बोलो ओम। अच्छा बच्चों, बस थोड़ा सा उधर, बस हाँ यहीं मिल गई दांत तेरी की। आजकल अच्छे कोट नहीं मिलते, बस 30-40 साल में ही फटने लगते हैं। तो बच्चों, तुम्हें सुनहरी चादर की खोज के बारे में सुनना था, है ना? हाँ, हमें उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करनी है। ये सुनहरी चादर कहीं दूर धुन की घाटी में ब्लैक सी के आसपास थी। एक जागता ड्रैगन उसकी रखवाली करता था, जिसे हार्पीज यानी कि उड़ती चुड़ैले हमेशा खाना खिलाती थी। हे, यही कहानी हमें लॉन्च पैड ने भी सुनाई थी, है ना? हाँ, पर वो ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। हाँ। अरे नहीं बच्चों, उसने कहानी बनाई होगी, पर कहीं सच तो नहीं? क्या ये मुमकिन है? टेरी अंकल स्क्रूज कहाँ जा रहे हैं? नया कोट लेने, चलो।